हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय, मैं विशाल भोजने और आपका स्वागत है मराठी फिजिक्स बाय विशाल भोजने इस चैनल में। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि रिफ्रैक्शन किस चिड़िया का नाम है। ओके, हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, और उसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप देख लो प्लेलिस्ट में जाके। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि ग्लास स्लैब वाली एक्टिविटी, जो कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने की होंगी स्कूल में, लॉकडाउन की वजह से की नहीं होंगी, या तो उसके बाद में हम पढ़ने वाली है। ग्लास लैब एक्टिविटी को हम एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि वो तो आप एक्सप्लेन स्कूल में हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस, स्फेरिकल लेंसेज क्या है, किस तरह से बनती है, और उनसे इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है, और उनका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा, When the light ray is moving from one medium and enters into the another medium, so it will get bent and the bending of light ray is called refraction. Suppose ये एक दो medium को separate करने वाली imaginary line है। जैसे अगर light ray हवा से पानी में आ गई, मतलब light ray rarer medium से अगर denser medium में travel करती है तो इस तरह से light ray incident होगी, इस तरह से वो जानी चाहिए थी आगे। लेकिन वी नो दैट यहाँ पर अगर हम नॉर्मल निकाल लें, ये होगा MN नॉर्मल। ओके, नॉर्मल है तो यहाँ से जो लाइट रे इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट लाइट रे इस तरह से जानी चाहिए थी, लेकिन ये जाती है क्या, इस तरह से नहीं जाती। व्हेन द लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम रेनर मीडियम एंड एंटर इनटू द डेंसर मीडियम, सो इट विल गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये मैंने कहा था, कचरा गाड़ी का एग्जाम्पल दिया था, कचरा गाड़ी का एक्सीडेंट किस तरह से हुआ, तो वो आप देख लो पिछला लेक्चर, उससे समझ में आएगा आपको। तो ये क्या हुआ, लाइट रे कहाँ पे बेंड हुई, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। तो ये था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और हमने कहा था इनका आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब देखो ये तो था लाइट रे जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब क्या होता है। अब क्या होगा अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में चली जाए, ये रहा डेंसर मीडियम, ये रहा रेरर मीडियम। अगर पानी से हवा में चली जाए, स्विमिंग पूल के अंदर लाइट है, उसके यहाँ की लाइट रह रही है, तो लाइट की पोजीशन कहाँ पे दिखेंगी, स्विमिंग पानी के अंदर मछली है, मछली कहाँ पे दिखेंगी, मछली की एग्जैक्ट पोजीशन पानी के अंदर, जो हम अगर मछली दिख रही है समुंदर के अंदर या नदी के अंदर, हम उसके ऊपर निशाना लगाते हैं तो क्यों निशाना चूक जाता है, क्यों उसके ऊपर निशाना नहीं लगता। ओके, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब क्या होगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, When the light ray is moving from denser medium and enters into the rarer medium, ये इस तरह से जानी चाहिए। ये थी इंसिडेंट रे, ओके, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने निकाल लिया नॉर्मल। तो यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस और यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस तरह से जानी चाहिए, लेकिन वो जाती है क्या, नहीं जाती। ये थी प्रोजेक्टेड पाथ। लाइट रे बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट रे बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और लाइट रे कुछ इस डायरेक्शन में चली जाती है बेंट होकर, और ये बन जाता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में। मतलब व्हेन द लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड एंटर्स इनटू द रेयरर मीडियम, इट विल गेट बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और पहली केस में क्या हुआ था, ये बेंट हुई थी टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का। अब इसी तरह से हमको एक ग्लास लैब एक्टिविटी है, ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट है। ओके, उसमें क्या होता है, क्या होगा अगर लाइट रे ग्लास लैब के अंदर एंटर करेंगी, तो ये ऑब्वियस बात है कि अगर हम ये ग्लास लैब ले लेते हैं, हमें पता है ग्लास लैब का क्या है, ग्लास के ग्लास लैब ऑब्वियसली ग्लास की होंगी। जैसे लाइट रे इसके ऊपर यहाँ पर इंसिडेंट होती है, ओके, हमें पता है हम यहाँ से नॉर्मल निकाल लेंगे, और ये लाइट रे की प्रोजेक्टेड पाथ इस तरह से रहनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं रहती, वो लाइट रे होती है बेंड टुवर्ड द नॉर्मल क्योंकि ग्लास में एंटर कर दी इसने। ओके, तो वो यहाँ पर से क्या होता था, वो लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती थी। ओके, अब यहाँ से ये इस पॉइंट पर नॉर्मल निकाल देंगे, जब वे ग्लास में एंटर कर देती है और ग्लास से फिर बाहर निकलने चाहती है, तो ये फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंटर कर जाती है। ओके, कुछ इस तरह से, ओके, इस तरह से। तो इसकी जो पाथ है
इसकी जो पाथ है, अगर हम इसकी पाथ निकालें और ये निकालें प्रोजेक्टेड पाथ, तो दोनों एक दूसरे को पैरल रहेंगी। ये डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाएंगी तब बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएंगे। अरे बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है ये, आप स्कूल में कर लोगे। हमारा मेन टॉपिक है लेंसेस। देखो हम लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। लेंसेस क्या है, लेंसेस कैसे बनती है, कहाँ पे इस्तेमाल होती है। वी नो दैट हम आसपास बहुत चश्मे लोग देखते हैं। देखो मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, और ये चश्मे के अंदर एक काच लगा होता है कि जो स्पेसिफिक एंगल में कट होता है। आप देखो ये सिंपल काच नहीं दिखेगा आपको चश्मे का, किसी भी चश्मे का, ओके लगा के देख सकते हो, ओके। आपको जो काच दिखता है, जो ग्लास दिखता है, जो चश्मे की फ्रेम है, जो चश्मे का काच है, वो एक टाइप का लेंस से बना होता है। अब ये लेंसेस क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होती है, कैसे यूज़ होती है, हम इसके बारे में देखेंगे। एक्चुअली जैसे मिरर का प्रिंसिपल था, याद है आप लोगों को, मिरर कैसे बना था, हमने एक ग्लास पियर लिया था, हॉलो ग्लास पियर लिया था, और हॉलो ग्लास पियर लेने के बाद में हमने क्या किया था, हमने ये हॉलो ग्लास पियर ले लिया और इसके आउटर साइड को क्या, इसको कट कर दिया इस तरह से, ओके इस तरह से कट कर दिया। इसके आउटर साइड को अगर हम कोट कर देते तो कौन सा मिरर बन जाता था, कॉनकेव मिरर बन जाता था। कौन सा मिरर बन जाता था, कॉनकेव मिरर। और इसको हम क्या करते थे, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग से कोट कर देते थे, इस तरह से बन जाता था कॉनकेव मिरर। और इसका जो बाकी ये हमने पार्ट कट कर दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, इनर साइड से कोट कर दिया, तो आउटर साइड हो गई रिफ्लेक्टिंग, तो ये बन जाता था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब लेंसेस को भी कुछ इसी तरह से बनाते हैं। देखो क्या करते हैं कि यहां पर ये हमारा एक स्पियर है, ग्लास स्पियर, समझ लो कि ये मिरर है, ये मिरर इस तरह से बनाया हुआ है। बताओ ये कौन सा मिरर बन गया, इसको अगर काट दिया जाएगा तो कौन सा मिरर बन जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा कि नहीं। और एक मिरर ले लिया मैंने इसी तरह से, और एक स्पियर ले लिया, और इसको भी उसकी बिना साइड क्या कर दी मैंने, सिल्वर नाइट्रेट से कोट कर दी। मतलब ये भी पॉलिश सरफेस और आउटर साइड का रिफ्लेक्टिंग हुआ है, ये भी बन गया कॉन्वेक्स। अब ये दोनों स्पियर को लेके एक दूसरे में मर्ज कर दिया, तो कुछ इस तरह से मर्ज हुए, ओके। अब क्या किया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था कुछ सी, ओके ये मिरर वन था इसलिए मैं इसको सी वन बोल देता हूं। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे मिल जाएगा मुझे सी टू, ओके मिल गया। अब मैंने क्या कर दिया, दो मिरर ले लिया। अब ऐसा नहीं कि कॉनकेव लो कॉन्वेक्स हो, कोई भी लो, दो मिरर को मर्ज कर दिया, और उसकी जो सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग थी ना, ये निकाल दी गई। सिल्वर नाइट्रेट की जो कोटिंग थी वो निकाल दी गई, और ये मिरर के पार्ट को कट कर दिया। देखो इसको भी कट कर दिया, ओके। तो ये जो लेंस बनी, ये दो मिरर वाले दो कर्व पार्ट से बनी, इसलिए उसको दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गए, ये एक C1 इधर और C2 इधर। ये वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1, और ये वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2। समझ में आया। अब देखो अब होता क्या है, अभी तो आप छोटे हो, 10th में हो, 11th 12th में मजा आएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ओके 12th में। देखो क्या है कि ये C1 C2 हम लोगों को थिन लेंस है, तो ये बहुत, ये होगा इसका जिसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल एक्सिस। C1 C2 को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना देंगे, ये बन गई लाइन। इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि हमने मिरर में कहा था, याद है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये ठहरा इसका ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आएगा, उसको बोलेंगे फोकस पॉइंट। इधर वाला करके बोलेंगे F1, और इधर वाला C2 और इसके बीच में आएगा उसको बोलेंगे F2। फोकल लेंथ भी सेम, जो डेफिनेशन पहले थी हमारी वही, मिरर में केस में क्या थी, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल लेंथ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ, तो क्या मैं करूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो ये रिलेशन भी यहाँ पे
ऐसा ही बनता है। ये रिलेशन भी कैसे बनता है, ऐसा ही बनता है। तो ये ठहरी कॉन्वेक्स लेंस, कौन सी लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। हमें पढ़ने के लिए डबल कॉन्वेक्स लेंस है सिर्फ, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस या दूसरी कोई नहीं। वैसे तो बहुत सारे टाइप के लेंसेस होती है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ओके, प्लानो कॉन्केव, प्लानो कॉन्वेक्स, डबल कॉन्केव, लेकिन हमें डबल कॉन्केव और सिर्फ डबल कॉन्वेक्स पढ़ना है। तो ये देखो क्या गया कॉन्वेक्स के बारे में, कॉन्केव लेंस किस तरह की होती है, तो कॉन्केव लेंस को इस तरह से देते हैं। अगर हमने दो मिरर ले लिए, इस तरह से ज्वाइन कर दिया और ये पार्ट को हटा दिया, मतलब ये जो है इसका जो है ये जो थिक है ऑन द एजेस पे, और यहाँ पे क्या है मिडल साइड पे क्या है थिन है, तो ये जो लेंस बनती है ये बनती है डबल कॉन्केव लेंस, या तो हम इसको बोलते हैं कॉन्केव लेंस। ये रहता है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ओके, यहाँ पर रहेगा इसका सी वन सेंटर ऑफ कर्वेचर वन, और यहाँ पर रहेगा सी टू, फिर से ओवर से यहाँ पर क्या आएगा एफ वन आ जाएगा, और इसके बीच में क्या आएगा एफ टू, ओके, ये क्या आएगा एफ टू आएंगे। यहाँ पर भी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशन है वो सेम आने वाला है। समझ में आ गई लेंसेस किस तरह से बनती है, मेकिंग ऑफ लेंसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस और ये हम प्रोजेक्शंस पढ़ने वाले हैं, ओके। तो चलो, तो प्रोजेक्शन हम इस लेक्चर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि शॉर्ट में नेक्स्ट लेक्चर में जब हम प्रोजेक्शन पढ़ें तो उसी में हम क्या कर दें, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस पढ़ लें, ओके। थैंक यू।